पहले बहुत सारी कहानियां फैल रही हैं अय्या के बारे में कि अय्या का मतलब क्या होता है, अय्या किसका नाम है। मैं बता दूं, अय्या वो अय्या नहीं है, वो है अय्या। सही है, फिल्म का टाइटल है हमारा। तो मैं चाहूंगा पहले मीनाक्षी देशपांडे को स्टेज पे बुलाया जाए। मीनाक्षी देशपांडे जी प्लीज। हाँ की, क्योंकि मुझे डायरेक्टर का चेहरा बहुत अच्छा लगा। आपको देखते ही मेरा बोल दिया था कि यार अनुराग तेरी तरह वो जो डार्क वार्क फिल्म है वो सब मैं नहीं कर सकती। खुशी का फिल्म करेगा या हैप्पी फिल्म करेगा तो मैं जरूर करूंगी। अनुराग ने मुझे कहा कि मैं आपको इतनी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं आपके पास हैप्पी फिल्म ही लेकर आया हूँ, और उसके बाद वो हैप्पी सिंह जी को लेकर आए, हैप्पी देशपांडे। तो इनको देखकर मैं और भी हैप्पी हो गई, और जिस तरह की कहानी लेकर आए उससे भी मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि बहुत ही असली में थोड़ी सी हटके है, थोड़ी सी पागल फिल्म है, वाकड़ी फिल्म है, क्वर्की है इन स्लाइटली कूलर वर्ड, वाकी क्वर्की। व्हेन यू अटैच योरसेल्फ विद कश्यप देन वर्ड्स लाइक क्वर्की एंड वाकी मेक सेंस, व्हेन यू अटैच योर वर्ड विद सचिन देन वाकड़ा मेक सेंस। सो दिस इज अ क्वर्की वाकड़ा मैड फिल्म। आई जस्ट फिनिश्ड विद जेसिका, दे हैड कम टू मी अराउंड दैट टाइम, एंड आई थॉट दैट आई शुड डू दिस फिल्म बिकॉज दिस फिल्म इज रियली रियली स्पेशल। आई थिंक जब दर्शकों तक ये फिल्म पहुंचेगी तब आपको समझ में आएगी कि मुझे ये फिल्म करने में मुझे कितनी आसानी हुई है और मुझे कितना अच्छा लगा ये फिल्म करने में। मैं एक नाटक किया करता था सर सर सरला, और मेरे साथ उसमें होती थी सोनाली कुलकर्णी। सोनाली कुलकर्णी ने मुझे एक बार एक शॉर्ट फिल्म दिखाने के लिए बुलाया सचिन कुंडलकर की, और वो शॉर्ट फिल्म देख के पहली बार सचिन से मिला, वो मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा यार ये पूरी फुल लेंथ फीचर फिल्म होनी चाहिए। कहानी वहां से शुरू हुई और सचिन ने स्टोरी डेवलप की, और सचिन ने मैंने पूछा कि ये किसके साथ करना चाहते हो, तो उसने कहा कि रानी मुखर्जी जैसी एक्ट्रेस अगर हो जाए तो। हमने रानी को फोन कर दिया और इन्हें फोन उठा लिया, और उनको कहानी बड़ी पसंद आई, लेकिन फिर स्क्रिप्ट की स्टेज तक पहुंचते बहुत रगड़ाई हुई। काफी नेचर करके बनाई गई है, 2.5 साल मेहनत की है इसमें सचिन ने और रानी ने। मेरा एक क्राइटेरिया था कि हीरो शुड बी हॉट, एक्टिंग तो सारी रानी करेगी क्योंकि शी इज ग्रेट एट दैट। मैंने पृथ्वी को बोला कि एक्टिंग तो आप करते हो लेकिन मुझे नहीं चाहिए एक्टिंग, आई जस्ट बट ही एक्टेड ऑल्सो रियली वेल, सो दैट्स अ बोनस, बट ही इज हॉट कैपिटल, सो शी इज हॉट, ही इज हॉट, इमेजिन द फिल्म। सो पृथ्वीराज इज इन वन वर्ड, ही इज जस्ट ऑसम, रियली लवली, एंड आई नो व्हाई ही इज सच अ ह्यूज स्टार इन साउथ, बिकॉज He's just too good, yeah? And when you see him in this movie, you'll know why. He's just like wonderful, and he speaks Hindi beautifully.